सो एज़ ए डेरेक्टर इफ़ यू आस क्यू इज़ इट वॉज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू डिरेक्ट बोथ ऋषि सर एंड परेश रावल ऑन द बिग स्क्रीन यू नो दिग्गज है सिनेमा इंडस्ट्री कैन देन अ फिल्म टुगेदर हाउ वॉज हाउ वॉज इज एटायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद आपको लगता है कि पब्लिकली मैं इसका जवाब दूंगा <laughs> 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 लेकिन कुछ तो कुछ तो बता सकते मेरी ये मतलब मजाल <coughs> नहीं इट वॉज नॉट डिफिकल्ट डेफिनेटली आई वॉज नर्वस इनिशियली लेकिन uh, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे बहुत ही कम्फर्टेबल फील करवाया और आजकल के बहुत से एक्टर्स बहुत सारे सवाल पूछते हैं स्क्रिप्ट को लेकर सीन्स को लेकर डायलॉग्स को लेकर ये इतने तैयार एक्टर है कि उनको कभी कुछ मुझे बताना नहीं पड़ा इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ऋषि जी ने यहाँ एक आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वो कहते हैं कि जब तू घूंघट उठाएगा तो अंदर से आवाज़ आएगी कि वाला मुतने तो प्रेम करूँ छू ये ऋषि जी का सजेशन था कि गुजराती में कैसे कहते हैं यू नो और परेश भाई के साथ मैंने बहुत काम किया है मेरी ये सातवीं आठवीं फिल्म में आई मस्ट से कि परेश राहुल इज द ओनली एक्टर आई सीन इन माई करियर ऑफ थर्टी फिल्म सो मैनी ईयर्स कि वो पहली बार भी अगर सीन पढ़ेंगे तो हमने सोचा है उससे ज्यादा ही पढ़ते हैं मतलब उन्होंने जैसे दसवीं बार ये रिहर्सल किया है तो इन दोनों एक्टर के साथ काम करने में नर्वसनेस डेफिनेटली थी लेकिन मजा बहुत आया और उन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया मैं उसके लिए आभारी हूं ऑल्सो okay.